हेलो एवरीवन, कोमल्स किचन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके साथ में साबूदाने के ऐसे पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो बहुत ही सॉफ्ट एंड टेस्टी होते हैं, जिसे खाकर आपका पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। तो व्रत के टेस्टी टेस्टी पराठों की रेसिपी शेयर करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हमारी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन लिया है, इसमें हमने साबूदाना लिया है। साबूदाने को हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए हमने साबूदाना को रोस्ट कर लेना है। साबूदाना अच्छे से रोस्ट हो जाए फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और साबूदाना को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब साबूदाना ठंडा हो जाए फिर हमने इसे मिक्सर जार में ले लेना है और इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है। तो आप देख सकते हैं साबूदाना को हमने एकदम बारीक पीस लिया है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे हम। तो अब इसके अंदर हम बॉईल करके ग्रेट किए हुए आलू डालेंगे। कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। सेके हुए सिंगदाना का पाउडर डालेंगे। जीरा डालेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक ऐड कर देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इन सभी चीजों को हमने अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसका हमने एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है पराठों के लिए। तो हमारा डो तैयार हो चुका है, इसे हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं और पराठे का डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो आइए अब हम पराठे बनाते हैं। तो आपको जिस साइज के पराठे बनाने हैं उस साइज का डो आप ले लीजिए। तो अब इसके ऊपर हम फराड़ी सूखा आटा आता है वो, या फिर राजगीरे का आटा, उसे लेकर हम इसे बेल लेंगे।
तो अब हम एक राउंड बेस की मदद से इसकी साइड्स को कट कर लेंगे। तो पराठा बनके तैयार हो चुका है, अब इसे हम सेक लेंगे। तो इसके लिए हमने गैस पे तवे को रख दिया है, इस तवे के ऊपर हमने इस पराठे को डाल देना है। अब इसके ऊपर हमने घी लगा के दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। तो लीजिए, व्रत में खाए जाने वाले बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट एंड टेस्टी साबूदाना के पराठे तैयार है। आप इसे दही, ग्रीन चटनी या फिर फराड़ी आलू की सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हमारी आज की ये रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।